मनाली में आप ओशो को मिले, आपको बहुत रोना आया था। इसको बहुत रोना क्या आया। हुआ जैसे ही हम पहुंचे उस समय उनके वॉक का टाइम था, तो सब लोग मुझे बोले कि हाथ मुंह बाद में धोना, पहले चलो ओशो जा निकलने वाले हैं। तो जैसे सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उस समय गंदे भी थे, दो दिन का सफर था, तो ऐसे जाके मैं खड़ी हो गई। तो वॉक के लिए जैसे ही निकले तो मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं तू क्यों यहाँ खड़ी है, चल ना मेरे, और मुझे अपने साथ ले गए। तो मुझे ऐसा लग भी रहा था कि छू ना जाए कहीं ना गंदी हो। फिर मैं कुछ मीठा नमकीन बना के ले गई थी काली पतली कुछ, तो कमरे में गए तो माँ के लिए मैंने बोला कि मैं ये लाई हूँ, तो माँ बोली इसको ऐसे ही रहने दे, कोई छूना नहीं, इसको ओशो के पास भेजेंगे आप। तो मैं बोली ओशो खाएंगे क्या, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब तो सुनावन में बस नाप नाप के सब और किसी का छूना नहीं ऐसा हो रहा था। तो बोली हाँ आजकल सब खाते हैं। तो उसको ऐसे ही रखा, पहले ओशो के पास भेजा, सब जो भी बना के ले गए। वो जाके वहाँ घूमते घूमते एक जगह बैठ गए थे और विवेक थी मेरे का, विवेक थी, तो हम दोनों गए थे, तो ये पैर पकड़ के रोने लगी, बोले सब इतना बड़ा वहाँ रजनीशपुरम छूट गया, ये सब नहीं 11 दिसंबर की बात नहीं, नहीं उसी दिन की बात है जब हम मिलने गए तब पहले दिन। तो बोले तुम रोते क्यों, अपने पास था क्या, एक लेडीज साइकिल थी, वो लेडीज साइकिल तो तुम लोग अभी भी अरेंज कर दोगे, इतना कुछ लेके गए थे, मतलब मैं रोने लगी कि कहाँ मतलब रेंज पे हो शो, वो कहाँ अब ये मनाली में वहाँ रिसोर्ट में रह रहे, तो ऐसे बोल दिए। ये होने लगी, इतनी कारें थी, इतना ये था, बोले अपने पास तो एक साइकिल थी, आने दिया था चाना वाली माँ ने, तो वो फोटो अब किसका, बगीचे में फूल लग रहा, मेरे छोटे भाई बहन थे, स्पेशली मेरी छोटी बहन थी अर्चना, वो 1.5-2 साल की थी, उसको फोटो खींचते थे, कैसे फोटो बेचारी को पेड़ में लटका दे, कहीं उसको उल्टा कर दे, फिर उसके फोटो खींचते थे, या मेरी माँ खाना बनाती रहती थी, पापड़ बेलती रहती थी, तब उनका फोटो खींचते थे हम लोग के। उनके पास था एक छोटा सा बॉक्स कैमरा था, उसमें बहुत से बड़े आते थे, वो था उनके पास, गादा वाला था, तो वो फोटो खींचने का तो उनको बचपन से वो खिंचवाने का तो इतना शौक था, तो उनके जितने फोटो शायद किसी के नहीं होंगे, मिनट मिनट के फोटो हैं उनके, सेकंड सेकंड के फोटो हैं। एक फोटोग्राफर पूरे टाइम लगा ही रहता था खींचे, वॉचेस का भी शौक था शुरू से। शौक तो उनके ऐसे थे कि अपने पास 100 रुपया और उनके इच्छा अंदर लाखों में ही होती थी, भले हजार हो लाखों में हो, और भगवान सब उनका पूरा करता था जो उन्होंने चाहा। मतलब राजा नाम था बचपन का, लेकिन जिए तो वो राजा की तरह ही, राजा भी क्या जिएगा, जैसे दिल इतना भर जाता है मेरा जब उनकी बात करते तो ऐसा लगता मैं उतनी छोटी हूँ, और बस उसी टाइम में वो मेरे लिए गोल्डन टाइम था। सब लोग बोलते बचपन उनका गोल्डन पीरियड रहता है, मेरे लेकिन हम लोगों का तो रियल में बहुत अच्छा टाइम था बचपन का, वैसा फिर शायद नहीं आया जैसा उनके साथ जी। हम लोग तो प्रेम बहुत करते, मेरे को तो मैंने कभी घड़ी नहीं करी थी, उन्नी घड़ियां थी, कभी पैन नहीं खरीदा, बाद में सब डायमंड क्लेटेड घड़ी दी सब लोगों को, फिर ओमेगा घड़ी उस समय कितनी महंगी आती थी, वो घड़ी उनके हाथ की पहनी हुई घड़ी 10 साल उनने पहनी थी, वो नंगे थे, फिर 10 साल में पहना, फिर वो रुक गई, और यहाँ हमने पूरा दिल्ली बम्बई हर जगह खोज करवा दी, कोई उसको खोलने तैयार ही नहीं होता है, ओमेगा को बोलते ही नहीं होगी। लास्ट में मुझे क्या देखे गए, उनके सिर के पास जो वॉच रहती थी
वो और अपना उड़ा हुआ कम्बल लास्ट में जो उन्होंने उड़ा बोल के गए थे, मनीषा ने जैसे आके बोला कि तो आपने सुना कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो कैसी पितर क्या बेटा, ये तो पागल जैसी हो गई थी। मुझे लगा दुनिया खत्म हो गई, उसके बाद कुछ नहीं है, किसी तरह मैंने संभाला इसको। सब लोग ऐसे बोलते थे कि डेथ होती है, सब लोग रोते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कोई ऐसा भी रोता है क्या, मुझे नहीं मालूम। जब हम लोग जा रहे थे पूना, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो मुझे लगता था कि इन लोग को शायद पता नहीं है ये लोग अभी भी हंस रहे हैं, अभी भी बात कर रहे हैं। दुनिया खत्म हो गई थी, बहुत दिन तक ऐसा ही चला, बहुत दिन तक। मेरे को मालूम है ज्योति मैम, ऐसे रात में सपने आते हैं, और अभी भी कई बार ऐसा होता है, मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि तू मेरे साथ क्यों नहीं, हमेशा ऐसा फील होता है सपने में। मैं उनको इनको उठ के बोलती बुला रहे हैं, जैसे शायद सब प्रेमी लोगों को ऐसा ही लगता होगा। मेरी आपका प्रेम कुछ और ही तलखद है, शायद बहुत प्यार किया, मतलब कितने बार उनके सीने से लगी हो और पता नहीं, बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। प्रेम जी का तो आपने सुना होगा, जब वो सुविधा हुई थी आपको, उन्होंने उसकी शिष्य बन गए थे, जब घर ने संन्यास ले लिया था, वो पूरा अपना घर द्वार बेच के, जमीन जमीन दुकान बंद करके बेच के पूना आ रहे थे। कौन वही रहेंगे, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। भोपाल स्टेशन पे सुबह हुई तो उन्होंने अखबार दिया, और उस अखबार में उन्होंने न्यूज पढ़ी, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, वो पूरा बेचारा घर बार बेच के आ गया था। अब फिर उसका पूना में क्या हुआ, कहाँ रहा मुझे पता नहीं है, मैं नाम भी भूल गया उनका। कहाँ का था ये मेरे दिल्ली से आ रहा था। अच्छा। और भोपाल स्टेशन पर सुबह हुई उसकी खबर, सुबह अखबार उसने देखा है, और तभी से पागल जैसा हो गया। मतलब जब न्यूज आई उस शो की तो टीवी से आई, हमारे फ्रेंड्स ने किसी ने टीवी में न्यूज देखी, तो कोई बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उन्होंने खाली इतना ही फोन करके कहा टीवी न्यूज देखी क्या, और उस समय 9-10 बजे, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह उठ के जाना रहता था, तो 10 बजे तक सो ही जाते थे, लास्ट की इंग्लिश की जो न्यूज वो सुनी थी। लेकिन हम लोगों को फैक्ट्री वालों ने इतना हेल्प किया कि रातों रात हमारे रिजर्वेशन कराया गाड़ी से, क्योंकि जो अमलाई में जहाँ हम थे वहाँ से कोई ट्रेन नहीं थी, जबलपुर आके फिर हम पूना आ सकते थे, तो उन्होंने पूना भेजा गाड़ी करके, फिर वहाँ का आगे का पूरा रिजर्वेशन करके। एक्चुअली में तो किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ये रजनीश के भाई ये नौकरी करने आए, ये खाली टाइम पास कर रहे हैं, इसको क्या ब्रेन ट्यूमर हो गया था बीच में, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे इलाज कराने उस समय, जब वो सो अमेरिका में थे, तो मैं मैनेजमेंट को बोला कि मेरे को कुछ पैसे जरूरत पड़ेगी इसका इलाज, बोले आप तो करोड़पति लोग हैं क्या बात करते हो, आप वो रजनीश जी के भाई हो, भगवान के भाई हो, आप पे पैसे नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं करता कि हम पे पैसे नहीं है। और ना तो उनके पास एक नया पैसा था, और ना उन्होंने कभी हम लोगों को एक नया पैसा दिया, तो जो इस तरह गिफ्ट दी जो दी वो दी, पैसे के लिए कभी उन्हें कोई नया पैसा नहीं दिया, ना हम लोगों ने मांगा कभी उनसे।